हेलो एवरीवन, आई एम निशा पाशा सालवे योर बायोलॉजी मिंटोर। तो बच्चों, पढ़ाई एकदम धुआंधार चल रही है कि नहीं चल रही है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यू बैक्टीरिया के साइज, शेप और न्यूट्रिशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने देख लिया कि भाई जो हमारा यू बैक्टीरिया चल रहा है, मोनेरा किंगडम के दो डोमेन आर्की बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ने जा रहे थे सेल एनवलप, हमने पढ़ लिया सेल स्ट्रक्चर, हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हमने देखा फ्लैजिला यानी कि मोर्टैलिटी के बारे में, पिलाए और फिम्रिया पढ़ लिया। आज का जो टॉपिक है कि बैक्टीरिया का साइज, शेप और न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो साइज एंड न्यूट्रिशन हम पढ़ने वाले हैं। साइज क्या है, बैक्टीरिया लार्जेस्ट भी हो सकता है, बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो हम बात करें कि जो साइज है बैक्टीरिया की वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बैक्टीरिया की हम बात करें तो 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर, तो वो कैसे होंगे, विड्थ में होंगे। ठीक है, 0.2 टू 1.5 जो है विड्थ में होंगे, और 1 से 10 माइक्रोमीटर की लेंथ में होंगे। ये उनका एक साइज है। अब इस साइज में जो वरी होगा उससे वो लॉन्गेस्ट बन जाएगा, लार्जर बन जाएगा और स्मॉलर बन जाएगा। तो अपन देखें एग्जांपल, शेप, शेप ऑफ बैक्टीरिया जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा वरी करती है। तो तुमने जब मोनेरा ग्रुप पढ़ा था, हमने मोनेरा ग्रुप के जब कैरेक्टर देखे थे तो हमने बोला था कि ऑल प्रोकैरियोट्स इंक्लूड है इसके अंदर। फिर हमने बोला था कि जो बैक्टीरिया है, मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर है, राइट। फिर हमने बोला था कि जो बैक्टीरिया है सिंपल इन स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, हमने देखा कि उसमें कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, कोई ऑर्गेनली ही नहीं है, है ना। तो लेकिन हम बोल रहे थे एक बात, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो ये कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर जो है अपन न्यूट्रिशन में जानेंगे, लेकिन इसकी जब शेप की भी बात करोगे तो आप बोलोगे अच्छा इसकी मॉर्फोलॉजी ऐसे चेंज हो रही है, अरे इसकी मॉर्फोलॉजी ऐसे चेंज हो रही है। तो जब अपन शेप की बात करें बैक्टीरिया की, तो हम बोलते हैं यदि बैक्टीरिया स्फेरिकल इन शेप हो, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप हो यानी कि गोल, ठीक है, यदि बैक्टीरिया की शेप गोल है तो हम उसको बोलेंगे कि ये कैसा है बैक्टीरिया, कोकस, कैसा है, कोकस गोल। अब ये जो कोकस है, ये दो कोकस हो तो, है ना, मतलब ये जो दो हमारे बैक्टीरिया हैं स्फेरिकल शेप के, ये दो शेप हो तो हम बोलेंगे इसको डिप्लोकोकाय, और एक ही है स्फेरिकल इन शेप में तो हम इसको बोलेंगे मोनोकोकाय, ठीक है। और यदि ये जो स्फेरिकल शेप है ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना ले, चेन लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टोकोकस है, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है। और यदि हम बोलें कि ये जो स्फेरिकल शेप है ये एक अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बना ले, तो हम इसको बोलेंगे कि ये स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, राइट। तो हमने क्या बोला, यदि कोकस सिंगल है मोनोकोकस, यदि दो हैं डिप्लोकोकाय, और यदि हम बोल रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट है ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है तो स्ट्रेप्टोकोकस, और यदि ये कैसा बना रहा है, एक बंच बना रहा है अंगूर के गुच्छे जैसा, तो ये स्टेफाइलोकोकस है। एक होता है कि यदि ये कोकस 8 हो तो ऐसी जो शेप होती है उसको बोलते हैं सार्कीना, क्या बोलते हैं, सार्कीना। तो ये हमारे कोकस शेप समझ में आ गई, आ जाओ।
फिर होती है नेक्स्ट शेप आता है हमारी कोमा शेप्ड, कोमा शेप्ड या कोमा इन नेचर, कोमा इन शेप। तो कोमा हम बहुत बनाते हैं, तो अभी अपन विब्रियो कोलाराई की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है कोमा शेप्ड होता है बैक्टीरिया। नीट में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों विब्रियो कोलाराई पे, ठीक है। कैसे आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में मोर्टेलिटी की बात करी थी, करी थी कि नहीं करी थी, उसमें मैंने कहा था अब दिमाग लगाओ, फटाफट से दिमाग लगाओ कि यदि तुम्हारे पास ये डायग्राम आ जाए या फिर तुमसे पूछे कि विब्रियो कोलोराई जो है ये कैसा फ्लैजिला रखता है, ठीक है। यहां पर तुम्हें दे दिया ट्राइकस, है ना, अट्राइकस, फिर आपको बोल दिया मोनोट्राइकस, फिर आपको बोल दिया एम्फीट्राइकस, फिर आपको बोल दिया पेरीट्राइकस, तो क्या राइट रहेगा, किससे कनेक्ट होगा, क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में ऐसे। तो विब्रियो कोलाराई आपको पता है कैसा है, मोनोट्राइकस है, एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसके एंड पे, है ना, कैसा है मोनोट्राइकस है, कौन, विब्रियो कोलाराई। तो दो क्वेश्चन तो अभी अपन ने रिपीट कर दिया, एक तो शेप कैसा है, कोमा शेप्ड है, और कोलेरा करता है, कोलेरा करता है, हेजा करता है, हेजा करता है, तो दैट मीन्स ये कैसा है, विब्रियो कोलाराई। कैसी अरेंजमेंट है फ्लैजिला की, एक ही फ्लैजिला एक ही एंड पे प्रेजेंट है, यानी कि मोनोट्राइकस है। आ गई बात समझ में, आ जाओ। फिर हम बोल रहे हैं तीसरी शेप, भाई रोड शेप दो, रोड शेप दो, या हम कहें ब्रिक शेप दो, ब्रिक यानी कि जैसे ईंट होती है, ब्रिक शेप दो, तो ऐसी वाली शेप को हम बोलेंगे बेसिलस, ठीक है, या बेसिला है, बेसिलस बोलेंगे, इज दैट क्लियर। तो जब भी आप रोड शेप देखोगे तो वो कैसे होंगे, बेसिलस होंगे। फिर हम बात करें फोर्थ नंबर की, कोकस हो गया और कोमा शेप्ड हो गया, रोड शेप्ड हो गया यानी कि बेसिलस हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पाइरल शेप में भी होते हैं, कुछ ऐसे स्पाइरल शेप में होते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है तो आपको याद हो तो स्पिरुलिना वोल्टस, वोलेंटस, वोलेंटस हमने एक एग्जांपल लिया था, याद करो हमने स्पिरुलिना वोलेंटस किसका एग्जांपल लिया था, फ्लैजिला में लिया था। मैं क्वेश्चन इसलिए बार बार करवा रही हूँ ताकि बहुत ज़रूरी हो जाते हैं बच्चों, है ना। बैसिलस में तुम्हें याद आए तो लैक्टोबैसिलस हमने एग्जांपल लिया था, लैक्टोबैसिलस, ये स्पेलिंग देख लेना बैसिलस की, मुझे गलती लग रही है, लैक्टोबैसिलस हमने दिया था। लैक्टोबैसिलस कैसा है, इसमें एक भी वो नहीं हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, एक भी फ्लैजिला नहीं था, तो ये कैसा है, अट्राइकस है। जब भी तुम्हें अपने अपने आप की पहचान करनी हो, अपने आप को एनालिसिस करना हो कि तुम कितने पानी में हो, तो तुम ऐसे पढ़ाई करा करो। एग्जाम्पल लिया कहाँ कहाँ फिट हो रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। लैक्टोबैसिलस बैसिलस शेप में है, हम कह रहे हैं कैसा है ये, कैसा है, अट्राइकस है यानी कि फ्लैजिला नहीं है। फिर हमने बोला स्पिरुलिना वोलेंटस, कहाँ एग्जाम्पल लिया था फ्लैजिला में, क्या ये लोफोट्राइकस था, क्या ये लोफोट्राइकस था, याद करो, क्या बंच ऑफ फ्लैजिला दोनों एंड्स पे प्रेजेंट थे, तो ये लोफोट्राइकस था, एम आई राइट। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, अब आ जाओ हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या बात की गई है शेप्स पे। बैक्टीरिया आर डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट शेप, कोकस, येलो कोकस, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पहली बात, और एक और बात तुम्हें बताना भूल गई, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है या मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो कौन होते हैं, कोकस होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्फेरिकल इन शेप है, मोस्ट पैथोजेनिक एंड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बच्चों कौन से हैं, कोकस है, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, मोस्ट पैथोजेनिक एंड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस,
बैसिलस। कोकस में हमने देख लिया एक कोकस है मोनोकोकस, दो है डिप्लोकोकाई, आठ में है सार्कीना, चेन में है स्ट्रेप्टो, और यदि हम बोलेंगे बंच ऑफ ग्रेप्स टाइप से स्ट्रक्चर है तो स्टेफाइलोकोकस। क्लियर। बेसिलस कैसा होगा, इंक्लूड मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया रोड इन शेप, जितने मतलब ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो कैसे होते हैं, बेसिलस इन शेप होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं। एग्जाम्पल इकोलाई और लैक्टोबेसिलस। इकोलाई, अब इकोलाई तुम्हें याद हो कहां पर आया था, इकोलाई याद आ रहा है, पेरिट्राइकस था कि नहीं था, इकोलाई क्या था, पेरिट्राइकस था। स्पिरिलम यानी कि जो स्पाइरल इन शेप हो, लाइक दिस, लाइक दिस, देखो मैंने फ्लैजिलम बनाया और यहीं पर ही फ्लैजिला का डायग्राम बन गया, स्पाइरल इन शेप। एग्जाम्पल स्पिरिलम वॉलेंटस, कैसा है इसका अपेयरेंस, लोफोट्राइकस। और कैंपिलोबैक्टर जेजुनी, कोमा, कोमा इन शेप, विब्रियो कॉलराय। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, तो शेप हमारी कंप्लीट। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया कैसा है। सो नाउ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हैज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। हमने जब मोनेरा किंगडम स्टार्ट किया था तो हमने बात करी थी बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर है, यू बैक्टीरिया के पास एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर जब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, कि ये है तो मैं अपना बिहेवियर ऐसा कर लूंगा, यदि इस चीज का रिक्वायरमेंट है तो अपना बिहेवियर ऐसा कर लूंगा, तो क्या है, और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक ऑटोट्रॉफिक है, हिटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोलिथोट्रॉफ है, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ है, अरे भाई मतलब बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी वो शो करता है, राइट कैसे आ जाओ। यदि आपने ये चीज समझ ली ना यहाँ पर, तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन जो बेसिक है इस चीज का वो क्लियर कर लो। हमने बात बोली थी बच्चों कि बैक्टीरिया जो है या यू बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली हिट्रोट्रॉफ इन नेचर होता है, हिट्रोट्रॉफ इन नेचर होता है ना, हिट्रोट्रॉफिक होता है बेसिकली, मोस्टली हम बात करें, लिख दूं मोस्टली ये लो, बट सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ। तो हमें जो चीजें बतानी है वो किस सेंस में बतानी है, हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो हमने बोला, हम अभी बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। यदि यदि लाइट सोर्स पे डिपेंड है तो फोटो ऑटो ट्रॉफ, यदि केमिकल पे डिपेंड है तो कीमो ऑटो ट्रॉफ, राइट। फिर हमने बोला इसको फर्दर डिवाइड किया है, वाइट ले लेती हूँ, फर्दर डिवाइड किया है कि प्रोटॉन डोनर कौन है, यदि वो इनऑर्गेनिक है बच्चों, ऑर्गेनिक है, इधर भी लिख दूं प्रोटोन इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है तो उसको हम कहेंगे फोटो, देखो ऑटो तो है ही ना, फोटो ऑटो तो है ही, क्योंकि लाइट सोर्स एनर्जी खुद से बनाएगा भोजन, तो फोटो ऑटो तो है। इनऑर्गेनिक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, लीथो, फोटो ऑटो लीथो ट्रॉफ, राइट। यहां पर भी मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक तो है लेकिन किससे ले रहा है अपनी एनर्जी, केमिकल से, तो कीमो, ठीक है, ऑटो कीमो ऑटो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है तो लिथोट्रॉफ। आप देख रहे हो कितना एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो कर रहा है बैक्टीरिया, देख रहे हो ना। अब आ जाओ दूसरी बात हम कर ले, यदि प्रोटॉन डोनर ऑर्गेनिक है, राइट, यदि केमिकल ऑटोट्रॉफ में प्रोटॉन डोनर भी ऑर्गेनिक है
तो क्या होगा? तो यहां पर लाइट एनर्जी से ले रहे हैं तो फोटो ऑटो तो होंगी, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहे हैं तो हम बोलेंगे ऑर्गेनोट्रॉफ। फोटो ऑटो ऑर्गेनोट्रॉफ, फोटो ऑटो ऑर्गेनोट्रॉफ। यदि कीमो ऑटोट्रॉफ है और डोनर कहां से ले रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? फोटो, हाँ फोटो कैसा आ जाएगा भैया? सॉरी ये लो, क्या आएगा? कीमो के बारे में बात हो रही है, कीमो ऑटो ऑर्गेनो ट्रॉफ। इज दैट क्लियर? क्लियर हुई चीजें? ऑटोट्रॉफिक में दो तरीके से हो सकते हैं, एनर्जी सोर्स लाइट है तो फोटो ऑटोट्रॉफ, एनर्जी सोर्स केमिकल है तो केमिकल ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। ये भी फर्दर दो डिवाइड होंगे, प्रोटोन डोनर के हिसाब से। यदि इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक है डोनर, प्रोटोन और डोनर, तो वो क्या लेंगे? फोटो ऑटो लिथोट्रॉफ। यदि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक यानी फैटी एसिड वगैरह, तो फोटो ऑटो ऑर्गेनोट्रॉफ। यदि कीमो ऑटोट्रॉफ, अपना डोनर कौन है? इनऑर्गेनिक है तो कीमो ऑटो लिथोट्रॉफ, यदि ऑर्गेनिक है तो कीमो ऑटो ऑर्गेनोट्रॉफ। इज दैट क्लियर? ऑटोट्रॉफिक समझ में आ गया प्रॉपर। अब आ जाओ हिटरोट्रॉफ्स पे, हिटरोट्रॉफ्स की बात करते हैं। हिटरोट्रॉफ, ठीक है, हिटरोट्रॉफ की बात करें बच्चों। यहां पर हिटरोट्रॉफ बेसिकली दो तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं आ जाओ, एक होते हैं सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है, एक होते हैं पैरासिटिक। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, क्या होता है सेप्रोमेटिक, मतलब अपना भोजन कहां से लेगा? एक तो देखो हिटरोट्रॉफिक है यानी कि डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर ओन फूड, खुद के भोजन के लिए वो दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, हिटरोट्रॉफ कहलाएंगे। हिटरोट्रॉफ में भी क्या होगा? सेप्रोट्रॉफ होगा। सेप्रोट्रॉफ बोले तो जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो अपने फूड के लिए, सेप्रोट्रॉफ डेड एनिमल से ही लेगा। पैरासिटिक, पैरासिटिक यानी कि ये कैसे हैं? होस्ट पे डिपेंड होते हैं, इनसाइड द बॉडी काम करते हैं। इनको क्या चाहिए? इनसाइड द होस्ट बॉडी, है ना, बॉडी के अंदर जाकर के ये काम करेंगे, पैरासिटिक एक्टिविटी करेंगे, है ना। अब देखो सेप्रोट्रॉफिक भी फर्दर डिवाइडेड है बच्चों, सेप्रोट्रॉफिक भी फर्दर डिवाइड है। कैसे? ये हो सकते हैं ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव। पैरासिटिक भी कैसे होंगे? ऑब्लिगेट एंड पैरासिटिक, हाँ फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, राइट। अब ये ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब समझो। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि हम क्या हैं? ऑब्लिगेट एरोबिक्स हैं, बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे, है ना, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए जीवित रहने के लिए, मैंडेटरी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, तो हम कैसे हो गए? ऑब्लिगेट हो गए। तो सेप्रोफिटिक यानी कि जो बैक्टीरिया है और वो सेप्रोफिटिक है, तो उसको जीवित रहने के लिए, अपने खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेप्रोफिटिक, ठीक है, ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक है ये, ठीक है, ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक यानी कि इसको तो डेड एनिमल चाहिए ही चाहिए, डेड एनिमल चाहिए ही चाहिए। फैकल्टेटिव पैरासिटिक हो सकते हैं ये, फैकल्टेटिव पैरासिटिक हो सकते हैं ये, यानी कि डेड होगा, खा लेगा तो क्या करेगा? सेप्रोफिटिक है। यदि डेड एनिमल नहीं मिलेगा तो ये क्या शो करेगा? पैरासिटिक एक्टिविटी शो करेगा। इज दैट क्लियर? अब पैरासिटिक पे चलो, जो कि उसको होस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। अब मेरी बात सुनो, ऑब्लिगेटिव पैरासिटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना,
ऑब्लिगेट पैरासिटिक, आपको पता है वायरस, कोरोना के बारे में जानते हो ना, यानी कि वायरस को हम जीवित कब कहते हैं, जब वो होस्ट की बॉडी में जाए, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, उसको तो होस्ट की बॉडी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो जीवित नहीं रह सकता। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासिटिक, मतलब ऐसे पैरासिटिक बैक्टीरिया जिनको होस्ट की बॉडी चाहिए ही चाहिए, तो वो कौन होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसे हम बोल सकते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्राए, ठीक है, उसको क्या चाहिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट है वो। और बच्चों जो इम्पॉर्टेंट बात है सुनने वाली और समझने वाली, जितने भी ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, आई अगेन रिपीट, जितने भी ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं उनको हम इन विट्रो कल्चर नहीं कर सकते हैं। इन विट्रो बोले तो इन द लैब, यानी कि शरीर के बाहर तुम उनको कल्चर नहीं कर सकते, तो वायरस को हम कल्चर नहीं कर पाते। माइकोबैक्टीरियम लेप्राए जो है वो कल्चर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो इन विट्रो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ओ सॉरी इन विवो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि बॉडी चाहिए, अंदर का सामान चाहिए चाहिए। फैकल्टेटिव, राइट, फैकल्टेटिव है, यानी कि क्या करेगा, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है बच्चों ये, ठीक है, सेप्रोफाइट, ये याद रखना, यहां पर क्या याद रखोगे, ये ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक है, सेप्रोफाइट्स की बात करेंगे तो, यानी कि डेड एनिमल चाहिए, फैकल्टेटिव पैरासाइटिक है, डेड एनिमल नहीं है तो पैरासाइट की तरह बिहेव करेंगे, पैरासाइट में ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बॉडी चाहिए चाहिए, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है, यहां पर चेंज मत कर देना कि ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ना, यहां पर सेप्रोफाइट है, यहां पर पैरासाइट है, यहां पर पैरासाइट है, यहां पर सेप्रोफाइट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करें फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स की, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको होस्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ये सेप्रोफिटिक करेंगे, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीवी कॉज करते हैं। इज दैट क्लियर, आई बात समझ में? अब आ जाओ अपने उस पर मटेरियल पे। बैक्टीरिया हैज अ मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, समझ ली कैसे, देखो ना तुम, मतलब जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। द बैक्टीरिया आर मोस्टली हिटरोट्रॉफिक एंड बट सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू फोर फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आधार पे चार कैटेगरी में हमने बांटा। फोटोलिथोट्रॉफ्स, ठीक है, फोटोलिथोट्रॉप्स यानी कि देखो याद करो, फोटो यानी कि लाइट एनर्जी पे डिपेंड है। फिर दूसरी बात, प्रोटोन डोनर कौन है, और इनऑर्गेनिक है ना, तो लीथो बोल दिया, तो साफ से बात कही दे यूज लाइट एनर्जी क्योंकि फोटो है। फोर्थ, बट दे शो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो यानी कि इनको प्रोटोन चाहिए, है ना, प्रोटोन चाहिए ना, ऑक्सीडेशन क्रिया नहीं कर पा रहे तो प्रोटोन चाहिए, तो प्रोटोन कहां से ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहे हैं एज अ हाइड्रोजन डोनर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, फोटो ऑटो लिथोट्रॉफ, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फोटो ऑटो लिथोट्रॉफ। डन, फोटो ऑटो लिथोट्रॉफ इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए एग्जाम्पल को अच्छे से याद करना है, एक इंडेक्स बना लो, ये एग्जाम्पल इसका, जो जो एग्जाम्पल बार बार रिपीट हो रहा है तुम वहां पर इंडेक्स बनाओ, ये इसमें काम आया था, ये इसमें भी काम आया था, ये इसमें भी काम आया था, चीजें यूं क्लियर हो जाएगी। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, फोटो ऑटो लिथोट्रॉफ का, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, फूड के लिए लाइट पर डिपेंड है। इसके अलावा जो प्रोटोन डोनर है वो कैसा है, कैसा है, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रहा है, तो यहाँ पर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है बच्चों, तो डेफिनेटली पिगमेंट में तो होगा ना भाई, फोटो लाइट है तो पिगमेंट तो हो गई, पिगमेंट कौन सा है, बैक्टीरियो पर्पूरिन, पर्पल बैक्टीरिया, पर्पूरिन याद रहेगा,
एग्जाम्पल क्रोमेटियम या क्रोमेशियम भी बोल सकते हो, और थायोस्पीरिलम यानी स्पाइरल शेप है, ठीक है, थायोस्पीरिलम। क्रोमेटोशियम इज एट क्रोमो, यानी कि हम बोल रहे हैं कि क्लोरोफिल, राइट, कलर दे रहा है, कोई पिगमेंट दे रहा है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक क्या था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो सल्फर बैक्टीरिया तो हो गई, इनऑर्गेनिक है ना, पर्पल कलर का हो गया पिगमेंट के हिसाब से। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बैक्टीरियो विरिडिन। क्लोरोबियम क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी याद रहेगा, यानी कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है तो क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, तो क्लोरोबियम क्लोरोफिल बैक्टीरियो विरिडिन। अब दीज बैक्टीरिया यूज H2S, सल्फर है ना, सल्फर है तो S तो आ ही गई, ऑक्सीजन तो आ ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन डोनर। एग्जाम्पल क्लोरोबियम, एग्जाम्पल क्लोरोबियम, यानी कि यहाँ पर हम पिगमेंट बता रहे हैं बैक्टीरियो विरिडिन, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, यहाँ पर अपने एग्जाम्पल बता रहे हैं क्लोरोबियम। नाउ फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ, फोटो लाइट पर डिपेंड है, एच डोनर प्रोटोन डोनर कौन है यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड फैटी एसिड लाइक। हाइड्रोजन डोनर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अमीनो एसिड फैटी एसिड आइसोप्रोपिलिन एल्कोहल, डन। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ इन्वॉल्व ओनली सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ एक सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, पर्पल नॉन सल्फर, नॉन सल्फर क्यों आया, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहे हैं। पिगमेंट बैक्टीरियो परप्यूरिन, एग्जाम्पल रोडोस्पिरुलम, पिगमेंट क्या है, क्योंकि पर्पल बैक्टीरिया है, कंफ्यूज नहीं होना मेरे बच्चों, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है तो पिगमेंट तो पर्पल के लिए यही आएगा परप्यूरिन। तो यहां पर पिगमेंट क्या आएगा, पिगमेंट क्या आएगा, नॉन सल्फर है तो पर्पल के लिए पिगमेंट तो बैक्टीरियो परपुरिन आएगा, राइट। अब ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पिगमेंट तो क्या होगा, बैक्टीरियो विरिडिन, लेकिन एग्जाम्पल बदलेगा क्लोरोनीमा, डन। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, यानी कि जो केमिकल पे डिपेंड हो, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर एब्सेंट, क्योंकि केमिकल पे डिपेंड है, एनर्जी केमिकल से ले रहे। दीज काइंड ऑफ बैक्टीरिया यूज केमिकल एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस, दीज एनर्जी ऑब्टेंड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कीमो ऑटोट्रॉफ आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइज कंपाउंड। सल्फर बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट H2S इंटू सल्फर एंड वॉटर, ठीक है। एग्जाम्पल थियोबैसिलस, दोबारा आ गया ये एग्जाम्पल। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, कहाँ पढ़ेंगे अपन, कहाँ पढ़ेंगे ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्राइट बैक्टीरिया इज कन्वर्ट अमोनिया इंटू नाइट्राइट, ठीक है, दो चीज़ें पढ़ी हमने, एक तो पढ़ी है नाइट्राइट बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करेगा, यानी कि रिएक्शन अपन देखें तो ये अपना अमोनिया है NH3, यहाँ पर अपन ने बैक्टीरिया डाल दिया, बैक्टीरिया डाला तो उसने क्या बना, नाइट्राइट बना लिया, नाइट्राइट बना लिया। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होगा वो कौन सा होगा, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रेट बैक्टीरिया इज कन्वर्ट नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स, अब जो एक और अपने पास बैक्टीरिया नाइट्रेट बैक्टर, वो क्या करेगा बच्चों, ये जो हमारी नाइट्राइट आई है इसको कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में, तो बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोबैक्टर, इज दैट क्लियर। आयरन बैक्टीरिया, लैप्टोथ्रिक्स फेरोबैसिलस, फेरो यानी आयरन से रिलेट करते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजिनोमोनास। मिथेनो बैक्टीरिया, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से सुना, दे आर फाउंड इन मार्शली प्लेसेस, दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट CH4 इंटू CO2। यहाँ पर जो ट्विस्ट है बच्चों, आपने याद है आर की बैक्टीरिया में हमने ग्रुप देखा था मिथेनो बैक्टीरिया, मिथेनोजन, वो क्या थे, मिथेन का प्रोडक्शन कर रहे थे, बायोगैस बना रहे थे,
एम आई राइट? आरके बैक्टीरिया में मिथेनोजन क्या कर रहे थे, मिथेन का प्रोडक्शन कर रहे थे बायोगैस के अंदर। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिथेनो बैक्टीरिया की, तो ये मिथेन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। देख लो CH4 into CO2, कौन सा बैक्टीरिया आएगा, मिथेनो मोनास। वहां पर मिथेनो कोकस था, यहां पर मिथेनो मोनास है। कौन सा बैक्टीरिया जो मिथेन को ब्रेक डाउन करेगा, हिटरोट्रॉफ्स। बैक्टीरिया आर मोस्टली हिटरोट्रॉफिक, कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर देयर फूड, फूड नहीं बना सकता। दे डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पैरासिटिक हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। दीज आर थ्री टाइप्स, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक। ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक ऑब्टेन फूड ओनली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि उनको डेड ऑर्गेनिक मैटर ही चाहिए। दीज काइंड ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीटली सैप्रोट्रॉफिक, जैसे क्लोरिस्टिडियम बुटेलिनम। क्या मतलब हुआ, आपको याद है कि हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की, फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया ये कैसा है, ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफिक है। ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफिक का मतलब कि इसको डेड ही चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा बच्चों, आप जब टिफ़िन लेकर आते हो तो फूड, जैसे अपन कहते हैं ना बाहर से टिफ़िन मंगा लेते हैं खाना खाने के लिए, तो बहुत लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है ड्यू टू दिस। इसीलिए टिफ़िन को रोज़ क्लीन करना चाहिए, नहीं तो इस ऑर्गेनिज्म से बार बार फूड पॉइजनिंग होगी। बैसिलस बुल्गारिस फैकल्टेटिव पैरासाइट, देखो सैप्रोफिटिक का टाइप पढ़ रहे हैं अपन, फैकल्टेटिव पैरासाइट। दोज बैक्टीरिया आर नॉर्मली सैप्रोट्रॉफिक, है तो डेड मटेरियल पे ही काम करने वाले, लेकिन इन दिस बट इन द एब्सेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिक दे मे बिकम पैरासाइटिक। कि भाई कोई बात नहीं, अब मरा हुआ नहीं मिल रहा तो मैं पैरासाइटिक एक्टिविटी कर लेता हूँ। एग्जाम्पल स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस चैन लाइक वो बंच ऑफ ग्रुप है ना, ग्रेप्स का ग्रुप जो है वो स्टेफाइलोकोकस होता है। पैरासिटिक बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है। दीज आर टू टाइप, ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे ऑलवेज रिमेन पैरासिटिक एक्टिविटी, यानी ऑब्लिगेट है ना, तो होस्ट बॉडी चाहिए चाहिए। मायोबैक्टीरियम लेपराए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक, यहाँ पर नॉर्मली दिस बैक्टीरिया आर पैरासाइटिक इन नेचर बट एब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट वो क्या करेंगे, सेप्रोट्रॉफिक जैसा बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नाउ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे डिपेंड करते हैं, तो दे फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे माइकोराइजा, हाँ है ना, माइकोराइजा राइजोबियम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड्स सॉल्ट और NO3 ऑफ अमोनिया। ये भी हम कहाँ देखेंगे, जब अपन नाइट्रिफिकेशन की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे जैसे फूड में न्यूट्रिशन में चेंजेस आता है, बैक्टीरिया क्या करता है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। इससे पहले हमने पढ़ा था साइज एंड शेप के बारे में, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा, हाँ या ना। तो फिर मिलेंगे अपन जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।